स्वागत है आप सभी का रैपिड टाइम्स में। आपके साथ मैं हूं अर्चना। नजर डालते हैं आज की दिन भर की खबरों पर। गैर कानूनी काम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अच्छे काम करने वालों को मिलेगा सम्मान और काम में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। आज बेंगोल सफारी पार्क में वन मंत्री राजीव बैनर्जी ने यह बात कही। वन मंत्री राजीव बैनर्जी ने सालूगाड़ा में हर्बल पार्क का किया उद्घाटन। हाथियों के हो रहे अस्वाभाविक मौतों को रोकने के लिए वन मंत्री ने किया मॉनिटरिंग कमेटी का गठन। आज गोरुमारा और जल्दापारा के 6 कर्मियों को अच्छे काम के लिए वन मंत्री ने किया सम्मानित। आज सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के बंधु नगर इलाके में एक सरकारी बस और एक बाइक की जोरदार टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। जलपाईगुड़ी में 9वीं कक्षा की छात्र की अस्वाभाविक मौत के कारण हड़कंप। वैकल्पिक सेवक ब्रिज बनाने की मांग में आज डुअर्स फोरम ने आवाज की बुलंद। दार्जिलिंग सरकारी कॉलेज के सामने विद्यार्थियों का अनशन शुरू, सीटों की संख्या बढ़ाने की गई मांग। कुछ बिहार के कोतवाली पुलिस ने जाली नोट और 17 सोने के बिस्किट के साथ 9 लोगों को किया गिरफ्तार। सत्संग पाड़ा के घर से 6 फीट लंबा जहरीला सांप बरामद। मेटली ब्लॉक अंतर्गत बड़ोधिगी चाय बगान के श्रमिकों को मिला 20% पूजा बोनस। महात्मा गांधी के जन्मदिवस के मौके पर एसएसबी की तरफ से 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित। दलखोला अंतर्गत 34 नंबर राज्य राजमार्ग में जाम की समस्या को देखते हुए लोगों ने की बाईपास निर्माण की मांग। आज कौशांग में जीटीए के चेयरमैन अनित थापा के साथ क्रिश्चियन माइनॉरिटी के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात, अपनी समस्याओं से कराया अवगत। रैपिड टाइम्स में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स।